सर्व पदाधिकारी अशोक भाऊ हिवराडे साहेब, माझे मित्र सतीश पवार साहेब, माझे मार्गदर्शक प्रभाकर पारदे साहेब आणि इथे उपस्थित सर्व सारा वैभव फेज 1 फेज 2 फेज 3 चे सर्व सन्मान्य सदस्य, काही वर्षापूर्वी या सोसायटीचे काही लोक माझ्याकडे यायचे आणि त्यांना एक रस्ता इथे पाहिजे होतं। त्यावेळी मी जेव्हा प्रयत्न केला की इथे एक रस्ता आपल्याला द्यायचा आहे, तर तेव्हा मला हे सांगण्यात आलं होतं महानगरपालिकेकडून की हे सेल्फ डेव्हलपमेंट सोसायटी आहे आणि तिथे NOC देता येत नाही। आणि त्यावेळी आमचे मित्र जे समोर बसलेले आहे गणेश पटेल, त्यांना असं वाटायचं की हे माझा हक्काचा खासदार आहे आणि तो आमच्या सोसायटीमध्ये काम करत नाही। पण गणेश भाऊ, मला हे सांगायचे आहे, 10 वर्ष मला लोकप्रतिनिधी म्हणून झालेले आहे। या 10 वर्षामध्ये कोणीही माझ्याकडे बोट दाखवून हे सांगू शकणार नाही की हे त्यांनी काही चुकीचं काम केलेलं आहे, इलिगल काम केलेलं आहे। आणि माझे चाहते पण खूप आहे राजनीतीमध्ये, की कुठेतरी मी काम करायला सुरुवात करतो की लोक ते RTI ऍप्लिकेशन टाकून हे बरोबर काम करत आहे का नाही करत आहे, कुठे काम करत आहे का, हे सगळं काम सुरू असतं। त्याच्यानंतर मला हे सांगण्यात आलेलं आहे की आमचे मित्र प्रदीप जसवाल साहेब आणि अंबादास दानवे साहेबांनी इथे काम केले आणि तुमच्या सोसायटीचं सेल्फ डेव्हलपमेंट जे होतं ते आता बाहेर निघालेलं आहे आणि ते महानगरपालिका आता त्याचा तुम्ही हस्तांतरण केलेले आहे, म्हणून मला काही अडचण नाही आहे। आता सतीश भाऊ जेव्हा बोलत होते तर त्यांच्या कानात एका त्यांचं मित्रांनी येऊन सांगितलं की हे झाल्यानंतर त्यांना सांगा 5 मिनिटं आपल्याला। म्हणजे आता जेव्हा निवडणूक जवळ आलेली आहे, माझा कार संपत आहे, त्यावेळी आपल्यालाही माहीत आहे की केंद्राने कधी हे निर्णय घेणार आहे आम्हालाही माहीत नाही। आमची अपेक्षा अशी होती की राम मंदिरचा त्यांचा एजेंडा संपल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ते आपल्या आचारसंहिता लागणार आणि निवडणूक घोषित करणार। तर अशा वेळी म्हणजे खिसा संपलेला आहे, म्हणजे खिशामध्ये काही राहिलेला नाही आहे। तरी सुद्धा मला एक बॅकलॉग आहे की या सोसायटीला मी 3-4 वर्षापूर्वी जेव्हा आपण आलं होतं ते बॅकलॉग माझ्याकडे आहे। हे समजा हे आज बुद्धविहाराचा आज आपण भूमिपूजन केलेलं आहे, मी बाबांना आमचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आहे त्यांना बोलावून हे विचारलं की आपल्याला कशा चांगला करता येईल आणि त्यांनी सांगितलं की खूप चांगला बुद्धविहार मी इथे एस्टॅब्लिश करू तयार करू। तरी सुद्धा मुझे घूमने की जरूरत नहीं है 5 मिनट, आप खुले दिल से बोल दीजिएगा कि और क्या चाहिए करके। उसमें अब डर यही लगता है, अब उद्घाटन करने के लिए जब जाता हूं तो डर यही लगता है कि इसका तो उद्घाटन कर ले रहा हूं और क्या मांगा जाएगा। तो बड़ी हैबत होती है कि अब तो जेब खाली लेकर जा रहे हैं, सब पैसा जो है आपने डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि सारा वैभव का इतना बड़ा परिवार है। मुझे जैसा बता रहे थे सतीश भाई के तकरीबन 5,000 लोग इसमें रहते हैं और बहुत ही खूबसूरत सी सोसाइटी है। मतलब आप एंटर होते ही आपको समझ में आता है कि कितना मिलनसार है, कितने अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर रहते हैं। मैं समझता हूँ बहुत कम सोसाइटीज ऐसे शहर के अंदर है जहाँ पर इतने अच्छे बंगले बने हुए हैं, इतने अच्छे ऐसे लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, दिक्कतें अपनी अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रही है। और मैं जब बुद्ध विहार, अभी सब यही नहीं है, अभी यहाँ से निकलने के बाद मुझे नारेगांव के अंदर एक बुद्ध विहार का मैं भूमि पूजन करने के लिए जा रहा हूँ। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मैं अगर आज दिल्ली तक पहुँचा हूँ तो मुझे दिल्ली तक पहुँचाने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, गौतम बुद्ध मानने वाले, ये लोगों ने जो मेरे लिए मेहनत की थी, जो मेरे लिए काम किया था, यकीनन उसी की वजह से आज मैं दिल्ली पहुंचा हूं। और दिल्ली पहुंच कर मैं उन सांसदों की तरह नहीं हूं जो वहां पर जाकर खामोश बैठता हूं, जो सच है तो सच बोलने की हिम्मत रखता हूं।
और मैंने पिछले 5 सालों के अंदर बहुत सारे मुद्दे वहां पर उठाए हैं, जिस मुद्दे के बारे में सतीश पवार साहब ने जिक्र किया है कि शायद मेरे हिसाब से लोकसभा के इतिहास के अंदर ये मुद्दा किसी ने छेड़ा नहीं, लेकिन आज हमारे समाज का एक ज्वलंत उदाहरण है। हम हर घर के अंदर ये कहानी देख रहे हैं कि जब माँ बाप बूढ़े हो जा रहे हैं तो उन्हें उठाकर कई सारे बच्चे एक वृद्ध आश्रम में ले जाकर छोड़ रहे हैं। एक दिवाली के मौके के ऊपर मैं एक वृद्ध आश्रम के अंदर गया था, यहीं पे औरंगाबाद में पैठन रोड के ऊपर, और वहां जाने के बाद मुझे इतना दुख हुआ, इतना अफसोस हुआ। एक एक इंसान से जब मैं मिला और उनकी कहानी जब मैंने सुना तो मुझे एक एहसास हुआ कि ये संस्कृति हमारे देश की संस्कृति कभी नहीं थी कि हम अपने बूढ़े माँ बाप को उठाकर उस जगह के ऊपर ले जाकर छोड़ रहे हैं वृद्ध आश्रम के अंदर। और कम से कम अगर छोड़ रहे हैं तो तुम्हारा अधिकार है कि हर त्योहार के मौके के ऊपर उस माँ बाप के पास जाओ और मिलो। मैं उस दिवाली का दिन था और मैं देख रहा था कि वो बूढ़े माँ बाप जो वहां पर रुके हुए हैं वो बात तो मुझसे कर रहे थे लेकिन उनकी नजरें दरवाजे के ऊपर थी कि हो सकता है कि बेटा आ जाएगा मिलने के लिए। ये कड़वा सच है और उस सच को कहीं ना कहीं हमें इस समाज को हैंडल करना है। पैसा कमा रहे हैं, बड़ा घर आलीशान बना रहे हैं, लेकिन उस घर के अंदर अगर अपने माँ बाप के लिए जगह नहीं है तो दुनिया की कोई दौलत तुम्हारे काम की नहीं है। और मैं आज इसलिए ये कहता हूं कि जिसने अपने माँ बाप को खोया है, मैं हर रोज अगर किसी को मिस करता हूं तो अपनी माँ को मिस करता हूं। लेकिन आए दिन जब मैं देखता हूं, अभी कुछ दिन पहले ग्रामीण इलाके के अंदर बड़े सारे होर्डिंग्स लगे हुए थे कि एक वयोवृद्ध एक वृद्ध आश्रम का उद्घाटन होने के लिए जा रहा है करके, और उस होर्डिंग्स के ऊपर बहुत सारे नेताओं की तस्वीर थी। मैंने कहा ये समाज के साथ धोखा कर रहे हैं, वृद्ध आश्रम इस समाज के अंदर बनने ही नहीं चाहिए। अगर झोपड़ी है तो झोपड़ी के अंदर भी माँ के लिए जगह बना के रखिएगा, अगर महल बना रहे हैं तो उस महल के अंदर भी माँ के लिए बाप के लिए घर बना के रखिएगा। ये हमारा समाज है। और इस मुद्दे को जब मैंने लोकसभा के अंदर उठाया तो चाहे वो किसी भी राजनीतिक पक्ष का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, शिवसेना का हो, हर एक ने बात मुझसे आकर ये कही थी कि साहब आपने जो मुद्दा उठाया है वो बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया है करके। और मैंने कानून की मांग की थी मोदी सरकार से कि अगर कोई लड़का अगर अपने माँ बाप को अगर वृद्ध आश्रम के ले जाके अंदर छोड़ रहा है तो मैं अगर किसी बैंक से लोन लेता हूं और वो लोन भरता नहीं हूं तो बैंक को यह अधिकार है कि मेरी तस्वीर, मेरे गारंटर का नाम, उसकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स अखबार के अंदर वो छाप सकते हैं। तो कुछ ऐसा कानून बनाया जाए कि उस बेटे की और उस बहू की तस्वीर अखबार में छपनी चाहिए कि मैं अपने बाप को, अपने माँ को, अपने सास को, अपने ससुर को मैं है तो यहां पर ले जाकर छोड़ रही हूं करके, उसकी तस्वीर के साथ। देखिएगा कि कैसे वृद्ध आश्रम बंद हो जाते हैं। लेकिन ऐसे मुद्दे कोई लेता नहीं है लोकसभा के अंदर। मैं इसलिए क्योंकि 24 साल पत्रकार था, मैं उस दुनिया को भी देखा हूं, मैं बहुत करीब से समाज को देखा हूं, मैं 10 साल के अंदर लोगों के बीच रहा हूं और मैं देखते आया हुआ हूं कि समाज के अंदर क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है करके। मैं अभी आमखास मैदान के ऊपर एक फेस्टिवल का आयोजन किया हूं, आईजे फेस्टिवल नाम से, जहां पर मैं बच्चों को क्रिकेट, फुटबॉल, कवि सम्मेलन, मुशायरा, फूड फेस्टिवल ये कर रहा हूं। लेकिन सिर्फ वो एक खेलों का एक फेस्टिवल नहीं है, मैं उसके जरिए हमारे समाज से हम नशे को कैसा दूर किया कर सकते हैं उसके लिए कैंपेन चलाता हूं कि नशा मुक्त शहर को हमें करना है करके। और उसी दौरान मुझे जब परसों रात में खबर आती है कि बैजीपुरा इलाके के अंदर एक 18 साल का नौजवान लड़के का छुरा घोप कर उसकी हत्या कर दी जाती है, हत्या करने वाला नशे के अंदर धुत होता है, तो आप ये मत समझिएगा कि वो लड़का कोई और है, किसी और का बेटा है, मेरा तो कोई है नहीं है। अगर उसके साथ ये हो सकता है तो ये समझ लीजिएगा कि नशे वाला आपके घर तक भी पहुंच सकता है, आपके बच्चे के ऊपर भी धोखा हो सकता है। और अगर हम इन बातों को अगर हम ऐसे ही नजरअंदाज करते चलेंगे कि नहीं वो लड़का तो किसी और का बेटा होगा, उसने मुझसे क्या लेना देना, तो आप समझ जाइएगा कि नशा करने वाला आदमी उसे पता नहीं है कि वो मार रहा किसे है उसमें। उसके बावजूद भी मैं ये मुहिम चलाया हुआ हूं और मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूं, जिस किसी इलाके के अंदर है
आज हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी यहां पर बैठे हुए हैं। हर एक की हिम्मत नहीं होती है कि वो जाए पुलिस स्टेशन के अंदर और कंप्लेन करे कि यहां पर ये नशे का कारोबार हो रहा है। लेकिन मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूं कि आपका बेटा, आपका भाई इम्तियाज जलील यहां पर है। अगर आपको डर लग रहा है तो मेरे पास आइए, मुझे बताइएगा, मैं बंद कराने की जिम्मेदारी लेता हूं। सड़क की उद्घाटना तो बहुत कर लेते हैं हम, नए नए सभागृह बना देते हैं हम, बड़े बड़े विकास की बातें करते हैं, लेकिन समाज की जो सबसे बड़ी बुराई जो आज फैल रही है उसे खत्म करने के बारे में हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है। आज ये बुद्ध विहार का यहाँ पर उद्घाटन हुआ। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि इस फेस्टिवल की वजह से रात में 2-3 बजे से पहले मेरा सोना होता नहीं है, तो थोड़ा आने में मुझे देरी हुई है। और मैं उद्घाटन जब करता हूं तो इतना बता दूं हेमराडे साहब कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आके उद्घाटन करता हूं और 15 दिन के बाद काम शुरू ही नहीं होता है। मैं जब भी उद्घाटन करता हूं ये ख्याल रखता हूं, और मेरे सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को ये पता है कि 48 घंटे के अंदर काम शुरू हो जाना चाहिए, इस इरादे से मैं काम शुरू करता हूँ। तो बाबा भाई अगर देखिए उन्हें भी पता है कि 48 घंटे ज्यादा से ज्यादा है, उन्होंने इशारा करके बोल दिया है कल सुबह से काम शुरू हो जाएगा करके। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया था। मुझे आगे पता नहीं है क्या होगा करके, लेकिन मैं आप लोगों का एहसान मंद हूँ, मैं आप लोगों का ऋणी हूँ, मैं आप लोगों का कर्जदार हूँ कि जिन लोगों ने मुझे ये मौका दिया था कि जाओ 5 साल हमारी आवाज बनकर लोकसभा के अंदर गूंजो, और मैं समझता हूँ कि मैंने पूरी ईमानदारी के साथ आपका वो कर चुकाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।